नमस्कार, मैं हूँ जानकेम प्राय। फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं लेकर आया हूँ खूबसूरत वाटरफॉल जो पानीमूर, और मैं फिलहाल पानीमूर की अपोजिट साइड कुका पर हूँ। पानी तो एक ही है पर इस साइड को कुका कहते हैं और जो अपोजिट साइड है उसको पानीमूर कहते हैं। मैं जिस साइड पर खड़ा हूँ इस साइड को कुका कहते हैं, तो ऑपोजिट साइड जो आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ से उसको पानीमूर कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विजिट इन द पानीमूर साइड, बट फ्रॉम दिस साइड यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द पानीमूर। मैं ऑपोजिट साइड से आया हूँ फिलहाल। देखिए, मैं फिलहाल कार्बी आंग्लोंग साइड पर हूँ। तो कई रास्ता काफ़ी अच्छा हो चुका है, पहले रास्ता बहुत ख़राब था। एक ब्रिज मिलता है वहाँ पर भी, एक पानी झरने जैसे है वो भी काफ़ी सुंदर है। उस जगह को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, बाद में वहाँ पर रुका नहीं, सीधा आ गए थे। तो आते आते मैं अभी कुका पहुँच गया हूँ। अभी ऑफ सीज़न है, अभी सितंबर मंथ चल रहे हैं। देखिए, मैं पानीमूर पर काफ़ी बहुत बार आ चुका हूँ। शूटिंग के लिए भी आए हैं, पिकनिक के लिए भी आए हैं, घूमने के लिए भी आए थे, बट कुका पर मैंने इस साइड पर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो देखिए इस साइड से कैसे पानी बह के आ रहे है, पत्थर ही पत्थर है। यहाँ पर नवंबर दिसंबर उस मान में काफ़ी भीड़ होते हैं टूरिस्ट लोगों की। तो यहाँ पर जो नाव है, नाव चढ़ने के लिए लोग भर जाते हैं, और ये खूबसूरत इस नज़ारा को देखने के लिए यहाँ पर लोग भर जाते हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पर बोट खड़ा हुआ है, बट अभी नहीं चल रहे, और फिर भी पानी तो बहते रहते हैं। यहाँ पर बॉलीवुड मूवी भी शूटिंग हुआ था, और जो मिशन चाइना है वो भी यहाँ पर शूटिंग हुआ था। तो ये नायग्रा फॉल जैसे है, इतने खूबसूरत है। और अभी ज़्यादा पानी है, और जब रेनी सीजन है बारिश का टाइम पर और भी ज़्यादा पानी भर जाते हैं। तो यहाँ पर अभी पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर है, आप दिखाई दे सकते हैं कितना पानी क्लियर है। मैं पहले भी बहुत बार ब्लॉग बना चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं बोट से चढ़ के जो वाटरफॉल्स है उसका सामने पर भी जाके आपको दिखाया था पहले ब्लॉग में। काफ़ी गर्मी है अभी, अभी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है सितंबर महीने के लास्ट वीक है। तो अभी सीज़न शुरू हो जाएंगे, आप आ सकते हैं, बहुत साइड पर आ सकते हैं, यहाँ पर पिकनिक भी खा सकते हैं। इस साइड पर थोड़ा पैर कम है, बट पानीमूर साइड पर ज़्यादा पैर है, बट बहुत साइड यू कैन कम। ज़्यादा दूर नहीं है रास्ता, जो पानीमूर साइड पर रास्ता ज़्यादा अच्छा है, और इस साइड पर भी असममाला का रास्ता बन गए हैं। तो हाफ बन गए हैं, हाफ अभी बना रहे हैं, तो थोड़ा कुछ ख़राब है, बट यू कैन कम इजीली टू रीच दिस डेस्टिनेशन। रेनी सीजन पर काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, यहाँ पर बेच सकते हैं। शाम को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, जैसे कि ठंडा हो जाता है शाम को पानी की हवा से। तो अभी फ़िलहाल तो काफ़ी धूप है, इसलिए धूप की वजह से काफ़ी गर्मी है। से पार होता था।
ये पत्थर ही अलग है, देखिए पूरा लाल लाल पत्थर है। तो उस पहाड़ पर तो जा नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर पानी बह रहे हैं। काफ़ी गर्मी है यार यहाँ पर, अभी पैर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर पानीमोर साइट होता तो मैं वहाँ पर सामने पर पैर मिल जाता रेस्ट लेने के लिए, बट दिस साइट ज़्यादा बड़ा एरिया है तो यहाँ पर पैर नहीं है। थोड़ा दूर पर पैर है बट इन फ्रंट ऑफ द रिवर, यहाँ पर पानी के सामने पर पैर नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा गर्मी है। इस गर्मी के बीच ही हम यहाँ घूम रहे हैं थोड़ा अकेला अकेला। देखिए अकेला आना काफ़ी अच्छा लगता है, कभी कभी खुद को जान सकते हैं और जितना मर्जी घूम सकते हैं। पानी जो बह के आ रहे है कितनी खूबसूरत है। इधर कौन जाते हैं यार, ब्रिज जैसे बना के रखा है इधर। देखिए उस पार पर जो रिजोर्ट है उसका घर कितनी खूबसूरत से दिखाई दे रही है। यहाँ पर इतना बड़े बड़े पत्थर है, ऐसे चढ़ते हैं यहाँ, शायद लोग यहाँ पर चढ़ के ऊपर जाते हैं इसलिए इसको। ओ माय गॉड, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर चढ़ जाने के लिए। या, या। हम इधर से आए थे, यो यो। पानी कितनी ठंड है, जैसे नहाने को मन कर रहे हैं मेरे को। यहाँ पर ठंडा पर आना ही बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम टू विजिट नवंबर दिसंबर जनवरी। पत्थर ही पत्थर है हर तरफ, पत्थर ही पत्थर है। ये पानी बह के जाएंगे दियुंगब्रा खेरोनी होके होजाई जमुनामू कामपुर, उसके बाद ये गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र में बह जाएंगे। और यहाँ पर इतनी खूबसूरत, देखिए उधर बड़ा ही हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर पानी ग्रीन जैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ पर, जैसे कि डाउकी पर लोग जाते हैं क्रिस्टल क्लियर पानी देखने के लिए, बट यहाँ पर आप बोटिंग करते हो आप अभी का टाइम पर, जैसे कि अभी फ्लड नहीं है तो इतने खूबसूरत पानी का बीचों बीच आप दिखाई देंगे कि पत्थर कैसे झिलमिला रहे हैं अंदर पर। और उमरांगसो का जो रिजर्वर है, रिजर्वर का पानी भी बिल्कुल ऐसे है। हम लास्ट टाइम जब पूरा घुमा था तो अंदर का जो घास है वो भी दिखाई दे रहा था, इतना गहरे का घास, बहुत अच्छा लगता है। और इतना समुद्र जैसे है, घूम 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 के मज़ा लगता है यार। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगते हैं। और यहाँ तो पानी जहाँ बहते हैं उस बहा जो फॉल है उसका फॉल का बिल्कुल नीचे तक जा सकता है, तो मज़ा ही लगता है यार। आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर, अगर कभी नहीं आए हैं तो ज़रूर प्लान बनाइए यहाँ पहुँचने के लिए। और इट्स वेरी इजी टू कम हियर। अगर कुका साइड पर आना है तो आप गुवाहाटी से आके लंका, लंका से खेरोनी सारिया ले, खेरोनी सारिया होके इधर से घुस सकते हैं। और पानीमोर जाने से खेरोनी सारिया ले होके दियुंगब्रा, दियुंगब्रा होके डिमासो मिलते हैं, तो गेट होके सीधे उमरांगसो रोड पर आते ही पानीमोर बीच पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप आके अगर रहना है तो यहाँ पर रह सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर टाइम बिता के आप सीधे उमरांगसो जाके उमरांगसो रह के उमरांगसो का भी नज़ारा देख के वहाँ भी आप रह के वहाँ भी घूम के वहाँ का वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं फैमिली लेके, कोई अपना लोगों को लेके। ओ काफ़ी मज़े है यार अंदर में। ओ माय गॉड, सब बाली बाली है यहाँ पर। ओ यहाँ पर ठंड है, काफ़ी ठंड है यहाँ पर।
मैं मेन रोड जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ, पर रास्ता में भटक गया हूँ यार, रास्ता नहीं मिल रहे। ये जंगलों के बीच बीच पर ये कितने सैन है, बालू है, यहाँ का बालू काफ़ी अच्छा है यार। तो आई डोंट नो हाउ टू रीच द रोड, और रास्ता में कैसे पहुँच जाऊँ यार। फिर से शायद रिटर्न होके जाना पड़ेगा क्योंकि इधर काफ़ी जंगल है। और यार या बहुत स्लीप होता है यार अंदर पर, जो माद है उसके वजह से काफ़ी स्लीप होते हैं इधर। और इधर थोड़ा अच्छा है यार, इधर पानी उल्टा आते हैं या मजे। इतनी गर्मी के बीच पर हम यहाँ पर नहाने के लिए जो आए हैं, इतना मज़ा लग रहा है यार। ओ इतना बड़ा पानी है, काफ़ी रिस्की भी है, यहाँ आके आप बिल्कुल भी नहीं नहाना है। मैं नहा रहा हूँ बिल्कुल भी साइड पर क्योंकि यहाँ पर बहुत हादसा होता है। और ये जो पानी है क्योंकि नीचे पर बहुत पत्थर है, इसलिए आप जगह पर आप खड़ा हो नहीं सकते हैं, काफ़ी दिक्कत है। और यहाँ पर जो फ्लैट के टाइम पर जो मिट्टी आ जाते हैं यहाँ पर, उसके वजह से काफ़ी स्लिप होता है। ठंडा तो है इतनी गर्मी के बीच पर, और वो बहुत स्पीड है यार पानी। हम यहाँ पर जगह पर जो खड़ा हो के रह नहीं सकते हैं, जो सीधे के सीधे जो पानी बहाव है वहाँ पर तो बिल्कुल भी रह नहीं सकते हैं। हम बिल्कुल कार्बी आंगलोंग साइड पर हूँ अभी, जो पानीमोर का जो वाटरफॉल है वहाँ से काफ़ी दूर पर है, नीचे साइड पर है। और इधर थोड़ा स्पीड कम है, फिर भी काफ़ी स्पीड है यार। देखिए पूरा हिला देते हैं यार, अंदर पर क्या है क्या नहीं है हर कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन पत्थर गत्ता गुटी बोर्ड है यार, अंदर भी है, डर लग जाता है। हजेंग है, हजेंग बाली है इसलिए यहाँ पर मैं खड़ा हो सकता। ओ माय गॉड, जब हम नीचे आ जाते हैं तो आपको धक्का मार देते हैं। देखिए या या जब मैं उड़ीसा गए थे पूरी बीच पर, तो पानी के अंदर मैं कैमरा घुसा दिए थे, तो मेरा GoPro Hero 9 ख़राब हो गया था क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो सॉल्टी वाटर है। तो कोई भी वाटरप्रूफ सॉल्टी वाटर पर ख़राब हो जाता है। अगर आप सॉल्टी वाटर पर यूज़ करता है तो आफ्टर यूज़ आप उसको अच्छा पानी, फिल्टर का पानी से क्लीन करके ड्राई कर देना चाहिए। मुझे मालूम नहीं था, तो मेरा इतना अच्छा कैमरा ख़राब हो गया, नया ही था तब, तो मैं बहुत कोशिश किया था बट अच्छा कर नहीं पाया। तो फिर से मैंने हीरो 11 ले लिया, तो आई एम अभी यूज़ कर रहा हूँ हीरो 11। तो अभी पानी से डर लग जाते हैं, पर पानी का ऊपर ही रख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका केस भी मैं नहीं लगाया, क्योंकि ये मैं अभी उसका एक्स्ट्रा केस पर लगा रहा हूँ, इसलिए पानी घुस जाएंगे, तो रिस्क नहीं लेने का। बार बार कैमरा खरीद नहीं सकते हैं। तो अंदर पर पानी घुस गए मेरा, ये बिल्कुल बीचों बीच पर ये आइलैंड जैसे है, तो यहाँ से जो पानीमूर का वाटरफॉल है वो नज़दीक से देख सकते हैं। वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है फिलहाल, जब पानी सूख जाएंगे तब जा सकते हैं। तो मैं पहले भी दिखाया था आपको वो जो पानीमूर का वाटरफॉल बिल्कुल नज़दीक से मैं दिखाया था आपको, और मैं फिलहाल तो फूका साइड पर हूँ, ये तो रिवर का बीच पर हूँ मैं, बट जिस साइड को फूका कहते हैं और उस साइड को डिमासाओ साइड को पानीमूर कहते हैं। तो पानीमूर साइड से जो खूबसूरत वाटरफॉल वो नज़दीक से देख सकते हैं और उस साइड पर है। और इस साइड से देखने के लिए आपको जो बीच पर मैं आपको दिखाया था, ये जो बड़ा आइलैंड जैसे है पत्थर का, तो वहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल करीब से। बट
अभी पानी के वजह से वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। तो जब ये बोट चलेंगे तो बोट से एकदम पानी जिस साइड से भी हो एकदम वो वाटरफॉल का सामने तक जाके वो वाटरफॉल का जो फील है वहाँ पर ठंडे हो जाते हैं, जो पानी गिर जाता है तो उसका हवा एक बहते हैं तो इतना सुकून मिलता है, तो वो मज़ा ले सकते हैं। तो जिस साइड पर भी आप आए तो यहाँ का जो पानीमूर फूका का जो इस वाटरफॉल का खूबसूरत व्यू या यहाँ का फील आप ले सकते हैं। यहाँ पर आके आप बोटिंग ना करना मज़ा ही नहीं है, यहाँ पर आके आप बोटिंग करके यहाँ का जो पानी पर घूमना तो काफ़ी मज़ा लगता है। यहाँ पर आप पिकनिक खाने के लिए उस साइड पर देखिए, जिस साइड पर एक जगह है वहाँ पर लोग खाते हैं, तो इस साइड पर मंदिर भी है, आप पूजा चढ़ा सकते हैं। और अभी वहाँ पर बैरिकेड लगा के रखा है तो उससे अंदर आना मना है। पहले तो हम लोग एकदम वाटरफॉल का सामने तक भी आके शूटिंग किया था, बैठा था कभी, बट अभी ज़्यादा अच्छा हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं पानी में तो कोई लोग जंप भी करते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर आना अलाउ नहीं है, अभी बंद कर दिया है। और पानीमूर का ठीक थोड़ा आगे एक खूबसूरत रिजॉर्ट है, वहाँ पर बहुत सारा खूबसूरत रूम है, वहाँ पर आप रह सकते हैं। तकरीबन 3,000 to 3,500 पर नाइट लेते हैं, रूम काफ़ी अच्छे हैं, मैं एक बार गए थे वहाँ पर। तो और वहाँ से थोड़ा आगे अगर इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर एक टाइगर कैप बोल के एक जगह है, जैसे कि वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जंगल है, और वहाँ पर देखने के लिए बहुत लायक है, जैसे कि पत्थर अलग टाइप के पत्थर है वहाँ पर। और वहाँ पर मैं गया था और आपको भी मैं पहले ब्लॉग में दिखाया था, मैं तो अभी यहाँ पर काफ़ी साल हुआ है नहीं आया, तो इस साइड पर तो मैं पानीमूर से मैं नाव से क्रॉस होके आया था, तो आज तो मैं सीधे कार्बी एंगलोंग होके आया, तो फर्स्ट टाइम है मेरा यह कोका आना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दिमाशा होके आते हैं पानीमूर में, तो उधर आना इसलिए अच्छा है कि रास्ता का बिल्कुल नज़दीक पर ही है और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, जो उमरांग से जाते वक्त आप यहाँ पर घुस के फिर यहाँ पर कुछ टाइम बिता के आप उमरांग से सीधा जा सकते हैं, इसलिए अच्छा है। तो एक साथ ही आप बहुत कई सारे लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं। तो अभी सीज़न शुरू हो जाएंगे, आपका टाइम निकल के आ सकते हैं, कुछ टाइम बिता के यहाँ से सीधा उमरांग से जा सकते हैं। अभी उमरांग से में बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगे, यहाँ पर भी रिवर राफ्टिंग मिलेंगे, बट मोस्टली उमरांग से में जेट स्की, रिवर राफ्टिंग, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। और कायाकिंग भी शायद ऐड हो जाएंगे जल्दी ही। और वहाँ पर एक फुसरिंगी आइलैंड बोल के एक खूबसूरत आइलैंड है, वहाँ पर आप फेरी से जाके बोट से जाके वहाँ आप रूम ले सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ का जो आइलैंड जैसे कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड और मालदीव जैसे फील मिलेंगे आप वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा रिजर्वर है पानी का, तो मज़ा ही कुछ अलग होते हैं वहाँ पर। मैं एक बार पूरे के पूरे पानी में घूमा था बोट लेके, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो लास्ट फैल्कन के टाइम पर। तो इस साल में शायद और भी मज़ा होंगे, क्योंकि अभी बोट कई सारे वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बोट जेट स्की ये सब लाए हैं, और अक्टूबर महीने में शायद वहाँ पर एक वाटर कार्निवल होंगे, तो वहाँ पर कई सारे एक्टिविटीज़ करने को आपको मौका मिलेंगे। आप फैमिली लेके आ सकते हैं वहाँ पर और फ्रेंड्स लेके आ सकते हैं, रहने के लिए कई सारे जगह हैं। और यहाँ जो कुका है, कुका में आप रहने के लिए यहाँ पर गेस्ट हाउस बना के रखे है खूबसूरत, बट यहाँ पर रहने के लिए क्या बंदोबस्त है मुझे इतना मालूम नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं मेरा इस वीडियो पर। बट इन दिमाशा पानीमूर साइड यू विल गेट हियर, एकदम नज़दीक पर ही रिजॉर्ट है, वहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर फुल हो जाते हैं रूम, पहले आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और खाना पीना एवरीथिंग यू विल गेट हियर। देखिए पानी, हम लोग नहाने का टाइमर, हमारा जो शरीर है पानी के अंदर पर रहने से हम लोग का शरीर शांत कूल हो जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा ऐसे नहाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग सवार पर नहाना, बकेट से मॉग लेके नहाना, इतना शरीर को ठंडा नहीं पहुँचा सकता है।
तो काफ़ी अच्छा लगा आपको जितना सके मैं दिखाया। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम चले जाएंगे कुछ खाना खा के, हम घर से खाना लेके आए थे टिफिन पर, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑफ सीज़न है, कुछ खाने को नहीं मिलेंगे क्योंकि भूख लगने से तो एनर्जी लेस हो जाएंगे। इसलिए हम टिफिन पे कुछ खाना और कुछ फ्राइड ऐसे सब्जी लेके आया था और पानी भी लेके आया। बाय बाय।